हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सो देखिए, अर्लियर वीडियोस के अंदर हमने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया था। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम उसके कुछ फर्दर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है फॉर दिसंबर 2019 सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सो देखिए, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सो देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट आपसे कह रही है अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर। सो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है किसी माइनर के साथ वो वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ माइनर। ओके, सो देखिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ होता है वो होता है आपका वॉइड अब इनिशियो। ओके, वॉइड अब इनिशियो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी माइनर के साथ आप कर रहे हैं सो वो होगा वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, सो यानी कि यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में जब आ रहे हैं तभी से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सो यहाँ पे वो वॉइडेबल नहीं हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें सो यहाँ बोला गया है एन एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन बी रेटिफाइड आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी। ओके, सो रेटिफाइड का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप माइनर के साथ करते हैं सो जब वो मेजर हो जाएगा, मेजर का यहाँ पे क्या मतलब है, दैट इज अगर वो 18 प्लस का हो जाता है सो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मल एग्रीमेंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो वॉइड अब इनिशियो है। सो मान लीजिए वो अगर अपनी मेजर एज अटेन कर लेता है तो इसके बाद भी उसको फॉर्मल एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है सो वो वॉइड होगा फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, सो यहाँ पे आपकी ए स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है। ओके, नाउ अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें सो यहाँ बोला गया अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी पर्सन है जो जनरली अनसाउंड माइंड का रहता है, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इवन ही इज ऑफ साउंड माइंड। सो जब वो साउंड माइंड का होगा तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो ये भी आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज देखिए अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है बट कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है सो जब वो साउंड माइंड की पोजिशन में होगा सो उस समय वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ओके, देखिए अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, सो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पर्सन है वो साउंड माइंड का है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है फाइंडर ऑफ द गुड्स इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ। सो देखिए कोई भी यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी? सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन है, ऑनर की तरह होगी, केयर टेकर की तरह होगी, बेली की तरह होगी या बायर की तरह होगी। सो देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज बेली। ऐसा क्यों है? देखिए जो भी फाइंडर ऑफ गुड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी गुड्स उसको फाइंड हुए हैं वो उसके ऑनर को रिटर्न करे। ओके, देखिए अगर मान लीजिए हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो देखिए जो आपका बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है। इसके अंदर आपकी दो पार्टीज होती हैं, पहला होता है आपका बेलर और सेकंड होता है आपका बेली। ओके, नाउ जो पहला होता है बेलर, ये बेलर कुछ भी प्रोडक्ट बेली को अगर देता है सो बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रोडक्ट को सेफ कस्टडी में रखे और जब बेलर उसकी डिमांड करता है सो वो उसको रिटर्न कर दे। ओके, सो यहाँ पे जो फाइंडर ऑफ गुड है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई भी प्रोडक्ट वो फाउंड करता है सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टेक केयर करे और उसको सेफ कस्टडी में रखे, और जब भी उसका ओनर दैट इज जो उसका एक्चुअल ऑनर है अगर उसकी डिमांड करता है सो वो उसको रिटर्न कर दे। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। देखिए ऑफर मेड टू अ डेफिनाइट पर्सन हु कैन बी एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन ओनली इज। सो देखिए यहाँ पे एक ऑफर दिया गया है किसी भी डेफिनाइट पर्सन को, मतलब कि यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन है। ओके,
यहाँ पे जो पर्सन है स्पेसिफाइड है, हु कैन एक्सेप्टेड बाई स्पेसिफाइड पर्सन ओनली, और उस ऑफर को केवल वो डेफिनाइट पर्सन ही यानी वो स्पेसिफाइड पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्पेशल ऑफर। ऐसा क्यों है, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो पर्सन है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ये एक जनरल ऑफर नहीं है। जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑफर जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब वो सभी के लिए ओपन होता है। ओके, सो ये वो कहा आपका जनरल ऑफर। चलिए अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, दैट इज एक्सेप्टेड ऑफर, तो एक्सेप्टेड ऑफर आपके नाम से ही इम्प्लाइड है कि कोई भी ऑफर अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो होगा आपका एक्सेप्टेड ऑफर। नाउ अब देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफर जिसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सेप्ट करने का वो स्पेसिफाइड है, मतलब कि जो भी ऑफर है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको बोला जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, सो इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन हमने पुट अप किया है, सो उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, टेंडर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज एन ऑफर। ओके, सो टेंडर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है यहाँ पे। ओके, सो ये एक ऑफर है विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये ऑफर ओपन है, सो इसको क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। सो देखिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो टाइटल ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या शो करता है, ये ऑनरशिप शो करता है। ओके, ऑनरशिप दैट इज कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो आपकी कस्टडी में है सो वो आपके पास है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास टाइटल ऑफ गुड्स क्या है। ओके, तो देखिए आपके पास ऑप्शंस गिवन है। देखिए सबसे पहला है बिल ऑफ लैंडिंग। देखिए अगर हम बिल ऑफ लैंडिंग की बात करें तो बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, देखिए जब भी कोई एक्सपोर्टर कोई भी गुड एक्सपोर्ट करता है सो यहाँ पे जो कैरियर होता है, ओके, जो कैरियर होता है डॉक का, ये एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज रिसीप्ट प्रोवाइड करता है, एक्नॉलेजमेंट या रिसीप्ट प्रोवाइड करता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट या रिसीप्ट है इसको बिल ऑफ लैंडिंग कहा जाता है। ओके, चलिए तो ये एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट शो करता है जो भी गुड्स हैं वो बेसिकली एक्सपोर्टर को बिलोंग करती हैं। सो बेसिकली ये भी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड होता है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देखिए अगर हम डॉक वारंट की बात करें तो देखिए जो डॉक वारंट होता है ये इशू किया जाता है बाय द ऑनर ऑफ द डॉक। ओके, ऑनर ऑफ डॉक इसको इशू करता है और ये सर्टिफाई करता है कि जो इम्पोर्टर है, सो यहाँ पे जो इम्पोर्टर है इसको सर्टिफाई किया जाता है कि जो इम्पोर्टर है इसके पास लीगल ऑनरशिप है जो भी प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहा है। ओके, अब जैसे मान लीजिए किसी भी इम्पोर्टर ने अगर पेमेंट कर दी है तो यहाँ पे जो डॉक ऑनर है वो सर्टिफाई करेगा कि जो इम्पोर्टर है अगर वो प्रोडक्ट रिसीव हो जाते हैं सो यहाँ पे वो उसकी जो लीगल ऑनरशिप होगी वो इम्पोर्टर के पास होगी। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखें। देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ आपसे बोला गया है कि देखिए आप कोई भी गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, गुड्स को जब आप रिसीव कर रहे हैं ठीक है तो आपको उसके साथ क्या मिल रहा है, स्टैम्प्ड एक्नॉलेजमेंट दैट इज रिसीप्ट मिल रही है। ओके, तो जो ये रिसीप्ट है आपकी ये आपकी लीगल ऑनरशिप प्रूव कर रही है, बट ऐसा नहीं है बिकॉज देखिए जो भी गुड्स आप रिसीव कर रहे हैं हो सकता है आपने उसकी पेमेंट की हो या ना की हो। देखिए आप जब तक उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उसकी जो लीगल ऑनरशिप है आपको ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सो ये बेसिकली जो रिसीप्ट ऑफ गुड्स है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स कभी भी शो नहीं करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी देखें। देखिए अब यहाँ बोला गया वेयरहाउस कीपर्स सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पे जो वेयरहाउस का कीपर है उसने आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया है कि उसने सेफ कस्टडी में आपका सामान रखा हुआ है। ओके, सो देखिए आपको जब सर्टिफिकेट इशू किया गया है सो यहाँ पे वो जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफाई करेगा कि आपके पास उस प्रोडक्ट की लीगल ऑनरशिप है, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड आपके पास है। ओके, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।